लालू की पार्टी में शामिल हुए रामविलास पासवान के दामाद। आखिर पासवान को उनके दामाद ने क्यों दिया जोर का झटका? बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले सूबे की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। पहले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पाला बदला, उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चार पार्षदों के साथ जेडीयू का दामन थाम लिया और अब एनडीए के सहयोगी एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद साधु यादव ने बगावत कर दी है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया है। साधु ने बुधवार को एलजेपी से इस्तीफा देकर आरजेडी की सदस्यता ली है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद साधु ने अपने ससुर रामविलास पासवान पर जमकर हमला बोला। पासवान पर पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए साधु ने कहा कि वो अब दलित विरोधी हो गए हैं और आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अनिल साधु ने कहा कि बिहार में दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मगर बावजूद इसके पासवान और उनके बेटे चिराग इस पूरे मुद्दे पर खामोश बैठे हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी में शामिल होते ही उनके सुर भी बदल गए। उन्होंने लालू यादव को सामाजिक न्याय के पुरोधा और गरीब वंचित का सच्चा हितैषी करार दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में देश और प्रदेश में दलितों के साथ घोर अत्याचार हुआ। इन्हीं घटनाओं के चलते वो लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अनिल कुमार साधु 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आए थे, जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एलजेपी का टिकट मांगा था, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उस दौरान भी उन्होंने पासवान पर खूब भड़ास निकाली थी और उन्हें धृतराष्ट्र तक कह दिया था। हालांकि साधु के हमले के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें फिर से एलजेपी में शामिल कर लिया गया। लेकिन आखिरकार उन्होंने उपचुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर अपने ससुर रामविलास पासवान को जोर का झटका दे ही दिया। इंडिया न्यूज़ वारिक रिपोर्ट।